हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस के कंपलसरी पेपर सेकेंड करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट एडमिन पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे। लास्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम शॉर्टेज की वजह से हम टॉपिक वाइज नहीं बल्कि यूनिट वाइज इस पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विजिट करेंगे। देखिए, एमसीक्यू एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको डीप स्टडी करनी होती है, बट एज वी नो दैट वेरी वेल कि समय की बहुत कमी है, इसलिए हम QBS दैट्स मीन क्विज बेस्ड स्टडी करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने कंपलसरी पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट यहां पर ओपन किया हुआ है और जिसका हेडिंग है बेसिक्स ऑफ करिकुलम, दैट्स मीन पाठ्यक्रम के आधार। इसके अंतर्गत टोटल 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन कंसेप्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, सेकंड कोर एंड हिडन करिकुलम, नेक्स्ट वन कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, नेक्स्ट वन रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग, एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लीस्ट रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ऑल टॉपिक्स को इस वीडियो में एमसीक्यू के थ्रू कवर्ड किया गया है, सो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत मेहनत लगी है इन्हें प्रिपेयर करने में। तो चलिए अब रिगार्डिंग एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन कंटेंट असेसमेंट, थर्ड इज इवेल्युएशन एंड फोर्थ लर्नर एक्सपीरियंस एंड नंबर फिफ्थ ऑप्शन इज ऑल। ए लक्ष्य, बी विषय वस्तु, सी मूल्यांकन और फोर्थ अधिगमकर्ता के अनुभव। तो जहां तक आपने स्टडी की है आपको जरूर कंफर्म होगा ऑल पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड, तो दैट्स मीन कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल। यहाँ चाहे तो आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इजी टू डिफिकल्ट टीचिंग मेथड को यूज किया जा रहा है। तो नाउ नंबर सेकंड क्वेश्चन विल बी टाइप्स ऑफ करिकुलम। फर्स्ट वन कोर, सेकंड हिडन, नेक्स्ट बोथ एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाठ्यक्रम के कितने टाइप्स होते हैं। पाठ्यक्रम के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कोर एंड सेकेंड वन हिडन, तो दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑप्शंस आर ए टीचर, बी लर्नर, सी करिकुलम एंड नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। की पाठ्यक्रम विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है, छात्र की होती है या पाठ्यक्रम की होती है। तो जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जॉन डीबी ने शिक्षण के 3 आधार स्तंभ दिए थे, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो दैट्स मीन पाठ्यक्रम विकास में तीनों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप से आया है, क्योंकि आपके एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, कुछ इजी भी होंगे, कुछ इजी टू डिफिकल्ट भी होंगे और कुछ मॉडरेट टाइप के भी होंगे। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अ मेजर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं, टीचर स्टूडेंट करिकुलम एंड टीचिंग कैंपस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख अंग है, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम या शिक्षण परिसर। तो ऑप्शंस चेक करने से लग रहा है कि इसके एक से ज्यादा आंसर सही है, तो लेकिन आपको इनमें से सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वही सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक कि आपने सही गैस किया है सी करिकुलम। जैसा कि अभी हम लेडी बात कर चुके हैं कि करिकुलम के बिना शिक्षक या शिक्षार्थी के आपसी कोऑर्डिनेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। दिस कोर्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर बाय विच ही गिव्स द डिजायर्ड फॉर्म टू हिज मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन हिज स्टूडियो स्कूल एज हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव। तो आई
होप कि ये क्वेश्चन पढ़ के आपको जरूर याद आया होगा कि ये कहाँ से लिया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करिकुलम की डेफिनेशन में इस स्टेटमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। बाई होम दिस स्टेटमेंट इज गिवन कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। ये पाठ्यक्रम कलाकार दैट्स मीन शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री का मतलब है यहाँ छात्र को अपने स्टूडियो मीन्स विद्यालय में अपने आदर्श दैट्स मीन उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है नागेल के द्वारा, बी कनिंघम के द्वारा, सी बेंट एंड क्रोनबर्ग के द्वारा या डी डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो एज वी नो दैट वेरी वेल कि ये फेमस कोटेशन स्टेटमेंट डेफिनेशन किसके द्वारा गिवन है, कनिंघम के द्वारा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पे स्पेशल फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इजी। टीचिंग इज नोन एज शिक्षण क्या है, ए आर्ट, बी साइंस, सी बोथ एंड डी नन। ओके, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षण क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, तो दैट्स मीन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th कि करिकुलम इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम इन फॉर्मल एजुकेशन दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्रेस दैट्स मीन कि पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम का एक संगठित ढांचा अथवा प्रारूप है जो ये व्यक्त करने का प्रयास करता है। एंड ऑप्शंस आर ए व्हाट, बी व्हेन एंड सी हाउ एंड डी ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल कि व्हाट व्हेन एंड हाउ ये तीनों ही करिकुलम के माध्यम से सर्च करने का प्रयास किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th डैश अ प्रोग्राम हैज एन आउटलाइन अकॉर्डिंग टू विच द लर्नर अचीव्स हिज गोल बाय स्टडिंग एंड ऑप्शंस आर ए करिकुलम, बी कंटेंट, सी एक्टिविटी एंड डी ऑल। दैट्स मीन कि डैश शैक्षिक कार्यक्रम की एक रूपरेखा है जिसके अनुरूप अध्ययन करके अधिगम करता अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम अच्छी तरह से जानते हैं ए करिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ करिकुलम कंसीडर एज, ऑप्शंस आर डायनेमिक, बी चेंजेबल, सी फ्लेक्सिबल, डी साइंटिफिक एंड ई ऑल। कि पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होगी, गत्यात्मक होगी, वैज्ञानिक होगी, परिवर्तनशील होगी, फ्लेक्सिबल होगी या ऑल होगी। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ई और आई थिंक आप लोग ये गेस भी कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लीस्ट, व्हेन एंड हु प्रोपाउंडेड द हिडन करिकुलम। दैट्स मीन कि प्रश्न पाठ्यक्रम शब्द को सर्वप्रथम किसने और कब प्रतिपादित किया। तो एज यूजुअल कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर सीधा हम बता देते हैं डी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन और इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया 1968 में। तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने 1968 में अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में इस शब्द को प्रयुक्त किया था और तब से ये प्रचलन में आया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लास्ट में मैं आपको यही एग्जाम टिप देना चाहूंगी कि अनसोल्ड तो आपके पास जरूर होगा और उसमें अवेलेबल जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको थ्राउडली रीड कीजिए क्योंकि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को मिला के ही 4th साल के क्वेश्चन पेपर का निर्माण होता है। तो आई होप कि आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे और कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या उसके पॉइंट्स रहेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।